खबरों में फिर से बात करेंगे उत्तर प्रदेश की, जहां उत्तर प्रदेश पुलिस का ऑपरेशन क्लीन लगातार जारी है। बुधवार देर रात कटघर थाना क्षेत्र स्थित काशीपुर तिराहा के पास पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। दोनों ओर से लगातार आधे घंटे तक ताबड़तोड़ फायरिंग की गई। इस दौरान कार सवार एक बदमाश पुलिस के गोली लगने से घायल हो गया। उस पर मुरादाबाद पुलिस द्वारा 25,000 का इनाम घोषित किया गया था। बदमाश पर अलग अलग थाना क्षेत्रों में लूट और डकैती के एक दर्जन मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस ने घायल बदमाश को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया और अब उसका आपराधिक रिकॉर्ड खंगाल रही है। एसओजी टीम प्रभारी सुनील शर्मा, अजय कुमार व कटघर पुलिस के साथ काशीपुर तिराहा के पास बदमाशों की घेराबंदी शुरू की हुई है, जिसके लिए पुलिस ने चेकिंग अभियान चलाया था। इस दौरान कार पर सवार होकर एक संदिग्ध युवक आ रहा था। पुलिस ने चेकिंग करने के लिए कार को रोकने का इशारा किया, लेकिन कार रोकने के बजाय बदमाश ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाब में पुलिस ने भी फायरिंग की, जिसमें वो घायल हो गया। पकड़े गए बदमाश का नाम उस्मान है, जिस पर विभिन्न थाना क्षेत्रों में लूट और डकैती के एक दर्जन से भी ज्यादा मामले दर्ज हैं। आज शाम के वक्त मुरादाबाद की एसओजी टीम और काशीपुर दरा थाना कटघर की टीम काशीपुर दरा पर चेकिंग कर रही थी। उसी चेकिंग के दौरान दलपतपुर की ओर से एक एक्सेंट गाड़ी आती हुई दिखाई दी, जो कि काफ़ी तेज स्पीड में गाड़ी चला रहा था। जब उसने सामने पुलिस द्वारा चेकिंग होती हुई देखी, तो उसके द्वारा पुलिस को अवॉइड करने के मकसद से अपनी गाड़ी को यूटर्न लेके वापस दलपतपुर की तरफ मोड़ के भगाने का प्रयास किया गया। पुलिस टीम जो वहाँ पर चेकिंग कर रही थी, उसको जब यह घटना संदिग्ध लगी, तो उसके द्वारा तुरंत गाड़ी का पीछा किया गया। जब गाड़ी का खुद को पुलिस के द्वारा पीछा करते हुए देखा गया, तो उस व्यक्ति ने एक कच्चा रास्ता जो कि हकीकत नगर की तरफ जा रहा है, उस तरफ अपनी गाड़ी को मोड़ लिया गया। कच्चा रास्ता होने के कारण गाड़ी जो है वो कुछ झटके खाकर रुक गई और उस व्यक्ति द्वारा गाड़ी से निकलकर पुलिस टीम पर फायर झोंक दिया गया। दो फायर पुलिस टीम पर किए गए। पुलिस टीम द्वारा ऑट लेते हुए और अपनी आत्मरक्षार्थ एक फायर उस अभियुक्त पर किया गया, जो कि उसके पैर में लगा है। जब उस अभियुक्त को तत्काल जिला अस्पताल के लिए पुलिस टीम ले जा रही थी, तो उससे बातचीत में उससे पता चला कि उसका नाम उस्मान है और अन्य थानों से अन्य जनपदों से जब उसका आपराधिक इतिहास पता किया गया, तो उस पर लगभग एक दर्जन मुकदमे लूट, गैंगस्टर और हत्या करने के प्रयास के उसके ऊपर पंजीकृत हैं। इस अभियुक्त उस्मान की मुरादाबाद पुलिस को पहले से अब तलाश थी, क्योंकि ये 25,000 रुपये का इनामी 2018 की एक लूट में कटघर से पहले से चल रहा। इसी संबंध में जो उसके पास से कार बरामद हुई है, वो भी कटघर की पिछले साल की लूट में प्रयुक्त हुई थी। इसी संबंध में यहाँ पर मौके पर एसओजी टीम थाना कटघर और एफएसएल की टीम मौजूद है। अभियुक्त को अस्पताल जिला अस्पताल उपचार हेतु भेज दिया गया। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।